औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन में मैं हूं आपका औज़ु चौधरी वकार। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको जानते हैं कि हम बात करते हैं पाकिस्तानी ओवरसीज के हवाले से, तो आज हमें जिन्होंने टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है, इनका तल्लुक तो पाकिस्तान से है, हाल मकीम ये स्पेन में है और स्पेन में पाकिस्तान पीपल पार्टी के ये सदर भी हैं। जनाब चौधरी इश्तियाक साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। हाँ चौधरी साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है तो आवाज तो आपकी आ रही है, वीडियो नहीं आ रही। चौधरी साहब वीडियो, चौधरी साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, स्पेन में आप पीपल पार्टी का बड़ा वर्क कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पीपल पार्टी पे बहुत से इल्जाम भी लग रहे हैं। इस हुकूमत में आपके सामने है कि आप देखते भी होंगे कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर भी हैं अली जैदी साहब ने, उन्होंने असम्बली में खड़े होकर एक कागज लहराया था। कागज लहरा कर उन्होंने ये कहा था कि सईद गनी साहब के भाई हैं जो, अगर उन्होंने बहुत से करप्शन भी की है और बहुत से उन पर बहुत से इल्जामात भी हैं, और वो उन्होंने कहा था कि ये इल्जामात SSP रिजवान हैदर साहब के हैं, क्या ये हकीकत है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक है जो है वकार चौधरी साहब? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने इस मौजू पर हमारे हम सब लाइन पे लिया मेरे को, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो बात की है, जो आप कह रहे हैं कि अली जैदी साहब जो वफाकी वजीर हैं शिपिंग के, उन्होंने जो इल्जाम हाउस के फ्लोर पे लगाए हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद झूठे मन रहते हैं। वो उसका मैं आपको सबूत ये इस ऐसे पेश करूंगा, बताऊंगा कि उन्होंने शेख गनी साहब का नाम लेकर जो ये बात की है, या उनके भाई फरहान गनी साहब के लिए, तो सबसे पहली बात तो यही से आपको मेरा तो ख्याल था कि मीडिया के दोस्तों को इस बात पे बात करनी नहीं चाहिए थी कि यही से उनका झूठ है कि अगर SSP जो है रिजवान साहब, अगर उन्होंने उनकी नाजरी तो उन्होंने शेख गनी साहब भाई को क्यों नहीं गिरफ्तार किया, FIR क्यों नहीं काटी? एक, क्योंकि वो वहाँ सिटिंग SSP थे, कोई ये नहीं कि वो किसी और जगह पे उनकी तैनाती थी। चौधरी साहब हुकूमत तो पीपल पार्टी की है ना, मंशियात फरोशी के हवाले से बहुत बड़े इल्जाम लगे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। एक मिनट मेरी पूरी बात सुन ले, उसके बाद आप प्लीज मेरी पूरी बात मुकम्मल होने दे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उनको उनके नोटिस में थी, वो ड्यूटी कर रहे थे तो उनका उनके नोटिस में आई थी, तो उनको फौरी तौर पे एक्शन लेना चाहिए था अगर वो मुबे वतन थे। ठीक है, मैं उनको मुबे वतन नहीं कहूँगा, अगर उन्होंने ये अली जैदी के बोंडे हरकत है, ये उनकी एक शोशा है, ये उनकी जहाँ तक रही सईद गनी की फैमिली का तल्लक, वो आप किसी भी वहां से मीडिया के दोस्तों को, मैं कल भी एक मीडिया के दोस्त से बात कर रहा था शाना वालों से, तो उन्होंने भी ये सवाल किया था, तो मैं ये कहता हूँ कि आप गैर जानमाना तौर पर आपकी टीम के कोई रुकन जाए, और ये नहीं कि सईद गनी लोगों को की फैमिली को पता हो या पीपल पार्टी के लोगों को पता हो, गैर जानमदाना तौर पर जाके मालूम ले और सईद गनी की शख्सियत के बारे में भी और अली जैदी की शख्सियत के बारे में, तो आपको मालूमात हो जाएगी कि सईद गनी क्या चीज क्या है और हल्के के लिए और लोगों की तो उनके साथ क्या तो अफवाह है, सईद गनी का क्या बैकग्राउंड है, सईद गनी का जो भी बैकग्राउंड है वो सबके सामने किसी से छुपा ढका नहीं है, वो एक मिडल तबके से तलक रखता है, वो उस बाप का बेटा है जो लेबर यूनियन का जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान का था MCB के, वो मजदूर लीडर का मजदूर लीडर आगे से बेटा है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उससे सबसे बड़ा गुनाह ये है कि वो किसी से डरता नहीं, हक की बात कहते हुए किसी की सुनता नहीं।
ये उसका सजा है, ये उसका जुर्म है, वो उसने किया है, इसमें कोई शक नहीं है, वो ये उसका बहुत बड़ा जुर्म है। जहां तक रही फरहान गनी की बात, तो फरहान गनी इस टाइम वहां का यूनियन काउंसिल का चनेसर गोड का चेयरमैन है इस टाइम, ठीक है, सिलेक्टेड नहीं, इलेक्टेड चेयरमैन है। तो एज ए चेयरमैन उसने अपने यूनियन काउंसिल के तमाम मामला देखने होते हैं, ना कि वो गनी की मिनिस्ट्री के मामला देखते हैं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक मैं जानता हूँ फरहान गनी को या उनकी फैमिली को, सईद गनी साहब की, फरहान गनी का दूर तक किसी किस्म से कोई तल्लक नहीं, सईद गनी की फैमिली का उस इलाके में इसमें कोई शक नहीं, मंशियात फरोशी होती है जो इसमें। अगर ये मुझे बताए सईद गनी साहब मंशियात फरोशों की सरपरस्ती कर रहे हैं तो, या उनका भाई कर रहा था बकौल अली जैदी के और SSP रिजवान के, तो आपको शायद आपके नॉलेज में होगा तकरीबन सारी मीडिया के, कि सईद गनी साहब ने बर्मला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है, उस टाइम के AD ख्वाजा साहब जो IG थे, उन्होंने पूरी तफसील से ये बात की है कि मैंने खुद जाकर उनसे शिकायत की है कि मेरे इलाके में आजकल मंशियात का कारोबार तेज हो रहा है। ये कारोबार सईद गनी की फैमिली नहीं कर रही, बल्कि ये SSP रिजवान, मैं कहूँगा वो करवाता था, उसके रास्ते में ये रुकावट थे, इन्होंने रुकावट बने जिस वजह से उसने ये बोंडे इल्जाम लगाए। मुझे ये बताएं, आप लोग कहते हैं जी वो हुकूमत आपकी हुकूमत, पीपल पार्टी की हुकूमत, मैं मान गया क्या वो अगर इतना मुखलिस आज बात कर रहे हैं, जब उसकी वहां से पोस्टिंग हट गई है उसको हटा दी, तो आज वो ये बातें कर रहे हैं एक जिस पेपर की कोई हैसियत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनकी शख्सियत को, उनके खानदान को गुंडे तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अगर वो इतने मुखलस थे, अगर वो क्राइम की सरपरस्ती नहीं करते थे, तो उन्होंने उस टाइम एक्शन क्यों नहीं किया? आज वो ये बात करते हैं, वो SSP को छोटी पोस्ट नहीं होती आजकल, आपको पता है ASI नहीं मान कर, ये तो SSP थे, ये कैसे हो सकता था? अगर वो बलबस होते तो इनको नहीं करते इनकी। चौधरी चौधरी साहब, आपने खुद ही बात कर दी थी, हुकूमत तो आपकी है, वहाँ प्रेशर होता है, देखें जाहिर है वहाँ उन्होंने एक नौकरी करनी होती है, प्रेशर तो होगा उन पे। अच्छा मुझे ये बताए प्रेशर क्या, आज वो पीपल पार्टी की हुकूमत खत्म हो गई, उनके प्रेशर खत्म हो गया, आज वो ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। देखिए जब हल्के के हल्का उनके अंदर आता था उसमें ऑन ड्यूटी थे, उस टाइम उन्होंने ये क्यों बातें नहीं की? जबकि ये मुझे बताएं, एक शख्स जिसका नाम लिया जा रहा है, जिसको सईद गनी कहते हैं, जबकि उसने खुद जाके इस SSP की शिकायत इसके IG से की, DIG से की, जब ये ऑन ड्यूटी था, और बताया कि मेरे इलाके में मंशियात फरोशी का जोर तो हो रहा है, पहले से ज्यादा हो रही है, रोज बढ़ रही है, इसका कुछ सदेबाब किया जाए। ये तो सईद गनी झूठ बोल सकता है, लेकिन वो ID ख्वाजा साहब या DG DIG साहब से क्या उनसे पूछे, क्या आपके पास ये सईद गनी साहब ने ये बात की थी या नहीं की थी? उसके अलावा सईद गनी साहब ने उस टाइम के मिनिस्टर जो थे इंटीरियर मिनिस्टर सेलन और सियाल साहब, उनको असेंबली में कहा, उन्होंने IG साहब से बात की, क्या ये रिकॉर्ड की बातें नहीं है? वो अभी है, ये नहीं कि वो अल्लाह उनको जिंदगी दे, ADI ख्वाजा साहब को भी उनसे पूछे क्या ये सईद गनी ने जो बयान दिया है क्या ये गलत दिया है या सही दिया है, एक बात वहीं से क्लियरेंस हो जाएगी। दूसरी बात जो है आपको मैंने पहले भी कहा, आपको बजाय तनकीद किसी के कहने की बात के ऊपर आप बात करें, आपको अपना नुमाइंदा भेजे, पाकिस्तान का कोई भी रिपोर्टर है वो जाके उनसे बात करे। चौधरी साहब, हम तनकीद नहीं कर रहे, तनकीद पाकिस्तान तरीके इंसाफ का। चौधरी साहब, जिस जगह की मेरी बात सुन रहे ना, जिस जगह की वो कह रहे हैं कि मंशियात फरोशी की वो सरपरस्ती करते हैं, तो उस एरिया में जाके पता, जिनकी सरपरस्ती मान ली, अगर एक बार फर्क ये मान ले कि वो सरपरस्ती करते हैं, जिनकी सरपरस्ती करते हैं वो नाम लेंगे, इनके मुखालिफ भी तो है ना वहां पे,
मुखालफ लोग भी तो है, वोट लोग और भी तो है ना, उनसे जाके पूछे, ये नेटवर्क जाके आप सर्वे करें, उसके बाद आप बात। तो साहब आपका तल्लक पाकिस्तान से, आप कराची में रहे हैं, आपका वहाँ से इलेक्शन भी लड़े हैं और शहीद गनी साहब के क्लोज साथियों में, आपको पता है बहुत सी वजुहत होती है जहाँ फिर नाम नहीं लिए जाते, ये कोई वजुहत तो होगी अगर एक पार्टी का, हम तो नहीं तनकीद तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कर रहा है, अली जैदी साहब कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उन्होंने कागज उठाकर उन्होंने ये भी कहा, देखे अरफान अली जैदी साहब ने अपना आपको शो तो करना है ना, ये तो पूरा टोला का टोला इसमें वजीर आजम समेत इनके अलावा झूठ के अलावा इनके पास और है क्या? तरीके इंसाफ पे जो अली जैदी से झूठा आदमी आप कहते हैं, मैं कहता हूँ पूरी टीम ही इनकी झूठों की है, कोई एक प्रूफ अभी मुझे बताए जो भी इन्होंने किसी के ऊपर क्या कैसे ये बढ़ के वजीर आजम साहब मारते थे कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं है, तो दरगाजी साहब को इन्होंने गिरफ्तार किया, मोहतरमा फरियादी फरियाल तारपुर साहब की गिरफ्तारी की, क्या किया आज तक एक रुपये की साबित नहीं हो सके, सिर्फ बयानबाजी की हद तक और दूसरे की तस्दीक करने के लिए, क्योंकि आज ये इकतदार में है तो इनको ये है कि, लेकिन ये याद बात रखे आज ये किसी की पगड़ी उतार रहे हैं तो कल को इसकी भी चल सकती है, ठीक है ना, आने वाला सदा वक्त सदा भाई ये नहीं रहेंगे इसमें गवर्नमेंट में, आने वाले वक्त में इनके साथ भी कुछ हो सकता है। चोई साहब वो तो वक्त आएगा बिल्कुल आपकी बात, लेकिन आप इनकी तो बात कर रहे हैं, आपको पता है अजीज बलोच एक नाम है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, वो बड़े क्लोज रहे हैं, वो जरदारी साहब के साथियों के क्लोज साथियों में रहे हैं, उन पे भी तो देखे उन्होंने कितने जमाल लगाए हैं। अजहर जी जी भाई मेरे, अजहर बलोच ही आप जो बात कर रहे हैं, अजहर बलोच का पीपल पार्टी का वो जरदारी साहब का ना तो साथी था ना उसका पीपल पार्टी से कोई वास्ता है, वो पीपल पार्टी का देखे बात सुने, एक मिनट, आप भी देहात के रहने वाले हैं, इस पाकिस्तान के रहने वाले हैं, एक मीडिया से हटके आपको भी पता है जब ये सियासी इंतखाबात करीब आते हैं, सियासी जमातें जब अपने जलसे जुलूस करती हैं, मीटिंगें करती हैं, वो वहां पे जाके बहुत सारे किसी को ये नहीं माटे के पोर लिखा होता ये जनाब या तो मुझे ये चोर है ये पाक है ये नमाजी है अंग्रेजी है किसी के ऊपर नहीं लिखा होता, वहाँ हर तरह का आदमी आता है, हर कैंडिडेट की होती है, हर पार्टी की कोशिश होती है कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले और ज्यादा से ज्यादा वो जनाब कारकुनों में जाए, अजहर बलोच का कोई साफ कोई बता दे किसी बोर्ड पे उसके पास कोई पार्टी का होता रहा है, कोई उसके पास कभी वो कारकुन बुनियादी रुकनी है तो उसके पास है आज दिन तक, को ये पहले तो ये साबित करे साहब, आपकी पार्टी के वोट लेने के लिए जाते रहे हैं वहाँ पे, उनसे मुलाकातें करते रहे हैं, लियारी बात सुने मेरी, एक जी जी मैं आपके पास आया हूँ वो वोट लेने के लिए, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आप पीपल पार्टी से आपको कोई तल्लक नहीं, आपको मैंने कहा जी हमें वोट दे, आपको मैंने साथ बुला लिया, आपने वोट मुझे दिया है देने के लिए, मैं आपने कैंडिडेट को अपने लीडर को आपके पास ले आता हूँ जी, आपकी बिरादरी है, आप मुझे पता आपकी बिरादरी है, आपके वोट है 100-200 वोट है, आपकी बिरादरी है, एक जब जिस बंदे को पता होगा इसकी बिरादरी है 100-150 वोट है उसके पास तो कैंडिडेट उसके पास तो लीडरशिप उसके पास, एक बंदे का ये भी पता है ना कि वो बहुत सी पुष्पनाई ऐसे करते रहे हैं जिनमें बहुत सी उन पर इल्जामात हैं, पूरी बात तो सुन लेना, पूरी बात सुन ले जी जी, जो आदमी जब इलेक्शनों के दौरान जब ये लीडर जाते हैं हर जमात के जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ पीपल पार्टी के जाते हैं, तरीके इंसाफ वाले भी गए हैं, अब आप मुझे ये बताए कि कौन सा ये जिन साहबान जिनसे इन्होंने वोटे लिए हैं, जिनके वहां मीटिंगे की हैं, जुलूस जलसे किए हैं, जिन के पीपल पार्टी को छोड़ दे, ये तरीके इंसाफ की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो आप बातें करते हैं या नून लीग वाले, क्या ये जिन्हों जिन जिन के पास इन्होंने मीटिंगे की है, क्या वो इनके पास सर्टिफिकेट है, वो सब लोग पांच वक्त के नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, मस्जिद के अलावा उनका कोई काम नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं होता पब्लिक, मैं ये कह रहा था जब आप मैं एक बंदे को आप मिलाते हैं
पार्टी के लीडर को तो नहीं पता नीचे क्या गया, जब वो उसको बताया जाता है ये इसकी भी 50 वोट है या 100 वोट है या 200, लीडर उसके पास चल के जाता है वोट मांगने के लिए चला जाता है, वहां से तस्वीरें भी खींच जाती है, आजकल मीडिया बड़ा तेज है, सोशल मीडिया तस्वीरें भी बन जाती है, अल्लाह आपका भला करे वीडियो भी बन जाती है, तो वो कल कोई तो कह दे कि वो आपकी पार्टी का वो मेंबर है, मेंबर नहीं होता पार्टी का, कोई उसके पास रुक जाती ठीक है, वो निकल आता है, बाद में उसका पता चलता है, अगर वो पता चलता है वो चोर है या कोई उसमें ऐसी है, उसमें वो जो बंदा वोट मांगने है उसका क्या कसूर है, उसकी क्या गलती है, सब बात तो आपकी मैं इत्तफाक करता हूँ, लेकिन आपको पता है कि एक इलाके में एक करप्ट बंदा है, एक किस बहुत से उसने कत्ल किए हैं, बहुत से उसकी डकैतियों में मुलव्वज़ है, जो बहुत से ऐसे काम किए हैं, फिर बंदा उसके पास जब वोट लेने के लिए जाएगा तो अवाम भी तो कहेगी ना कि किस बंदे के साथ पास जा रहे हैं, एक शरीफ शहरी के पास जाएंगे उसकी वोट होगी 200 या 1000, तो वो तो बंदा भी कहेगा ना। भाईजान मैं आपको बात बताऊं, ऐसी बात नहीं है, हमारा हमारी पार्टी का उससे ना पहले से चल रहा था ना अब है, हम ये कहते हैं अच्छा इसको मुझे ये बताएं, सिर्फ ये हमारे तो पीपल पार्टी के लोग गए थे वोट लेने के लिए, क्या ये डॉक्टर आरफ अलवी साहब जो है इस टाइम आपके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, ये नहीं इन्होंने कोशिश की उनसे वोट लेने की, ये अली जैद नहीं किया उनके पास, आगे बात करते हैं चौधरी साहब, इल्जामात तो आप इल्जामात इल्जामात तो आप पे लग रहे हैं ना चौधरी साहब, इल्जामात तो आप पे लग रहे हैं ना भाई, ये तो आपने वही कहते हैं ना अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो चौधरी आपने सही कहा, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आप समझे हैं जिस तरह फरहान गनी है, फरहान गनी के जो है ये फ्रंट मैन है, ये हमारी इतला के मुताबिक हमें जो सोर्स ने बताया कि आप तो स्पेन में बैठे हैं, लेकिन अगर देखा जाए कराची सिंध में तो फरहान गनी फ्रंट मैन है, शकील चांडियो ये लोग ये बहुत से बिल्डिंगों पे कब्जे भी कर रहे हैं, वहां पे ये बत्ते भी ले रहे हैं, सुने ना शकील कमर, एक कमर भाई नाम है, कमर कमर इनके घर के बराबर में रहता है, शुरू से वो पीपल पार्टी के का एक वर्कर है, अदना सा वर्कर है, उसके आप कोई ऐसी बात नहीं, कोई लेना देना नहीं है, किसी कोई भी बंदा बता दे तो उसके उसने वजारत के कहीं वजारत के दफ्तर पे कभी जाके वो बैठा हो, कोई उसका काम हो, ये सिर्फ और सिर्फ इनकी बूंदी रखते हैं, क्या किसी से उसने कुछ लिया तो वो बताए, ऐसे मुंह से कहने की बात नहीं है, समझे ना चौधरी साहब, हमारे पास बहुत सी रिपोर्टें आई हैं, उन्होंने उनके साथ वो कमर भाई है वो मीडिया सेल के, आपको पता है उन्होंने एक बनाया हुआ, उनका बड़ा हाथ है कमर भाई का, नहीं वो मीडिया भाई कमर हमारा, देखे बात सुने यार, ये आज अगर सईद गनी वजीर बन गया तो क्या वो अपने बचपन के अपने मोहल्ले के अपने दोस्तों अपने हल्के के लोगों से मिलना जुलना छोड़ दे, उनको बोलना छोड़ दे, क्या उन लोगों का ये जुर्म है कि वो कबर का ये जुर्म है कि वो सईद गनी के हल्के का सईद गनी का सपोर्टर है, सईद गनी का इलेक्शन सेल वो चलाता था, उसने उसका ये जुर्म है ना कि उसने पोलिंग स्टेशनों पर धांधली नहीं होने दी, उसने पैरा दिया भाग दौड़ की, ये अली जैदी साहब उसमें नाकाम हो गए थे, आज उनके बातें करते हैं, ये बात है असल, और कोई ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल पार्टी सिंध में उन पे इल्जामात और उनकी पकड़ धकड़ उन पे बहुत से मसाइल, दूसरी तरफ देखा जाए आपका तो तल्लुक पाकिस्तान से है, जैसा तहसील गुजर खान के साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अर्शद साहब उन पे इल्जामात थे तो वो बरी हो गए, क्या कोई ये मुख मका तो नहीं हो गया? मुझे ये बताएं अदालत में जाके अरे परवेज साहब बरी ने मुख मका कर लिया, इसका मकसद आप तो अदालत का नाम ले रहे हैं ना, ये बात नहीं है, अदालत ने सर अदालत की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कहता हूँ कि जाहिर है जी जी मेरी बात सुन ले एक मिनट, ये बूंदी हरकते हैं ये छोशे ये हमारे अपने पार्टी के साथ शुरू से ये रहा है, प्राप्त ये पार्टी के साथ रोजे अवर से पीपल पार्टी के साथ ये ज्यादती होती रही है कि जो भी पीपल पार्टी की मुखालफत में जो भी शख्स आया उसने वो हरकतें की जो नाकाबले बर्दाश्त है, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने बर्दाश्त की, इन लोगों को शर्म नहीं आया थी कि मुस्लिम लीग नून वाले ने ये केस बनाया था, लेकिन
साथ इतना उनके ऊपर ये शोशे छोड़े, उसको बदनाम करने की कोशिश, उनकी शहरत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, लेकिन मेरा ईमान है जिसे अल्लाह इज्जत दे उसे कोई भी नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि इन्होंने हमेशा राजा परवेज अशरफ साहब की एक फैमिली, उनका एक नाम है पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, और तहसील गुजर खान के वो माथे का जुमर है, उनको इन्होंने पूरी कोशिश की। 2013 के इंतखाब में भी इन्होंने हाईजैक किया उनको, उनके इलेक्शन को इस दफा भी किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी। इस दफा उन्होंने अपने दूसरे अमले से, बाकी अगर जहां तक देखा जाए इस यहाँ भी सिलेक्टर लाने की कोशिश पूरी की गई, ये उनकी अपनी मेहनत और अपने हिकमत अमली से उन्होंने पासदारी की अपने हर पोलिंग स्टेशन पे, तब जाके उन्होंने अपने रिजल्ट लेने के बगैर नहीं निकले, तब वो कामयाब हुए। बाकी शर्म आनी चाहिए हमारे सियासतदानों को, तमाम पार्टी दूसरे एक दूसरे के ऊपर बिला वजह कीचड़ उछालने से। क्या उनकी फैमिली नहीं है? वो एक शरीफ खानदान है उनका, उनके ऊपर कीचड़ उछाला गया, आपको पता ही है कि कितनी तकलीफ दे मरला होता है। अगर आपका कसूर ही नहीं हो, आपके ऊपर जब कीचड़ उछाला जाए, कोई बदनामी लगाई, इल्जाम लगाया जाए बिला वजह, जब आपके बच्चों से कोई बच्चों के दोस्त आपके बच्चों से बोले यार आपके पापा की बात ये है, कीचड़ किसने उठाला था? मोहम्मद मुस्लिम लीग नून की थी और आपके ही उस टाइम के, आपको पता है पीपल पार्टी के वजीर थे उन्होंने। लेकिन मेरे पास टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे अलमुसार करूंगा। जिस तरह पाकिस्तान में बहुत सी महंगाई है, पीपल पार्टी भी अभी तक कोई सड़कों पर नहीं निकल रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कुछ दिन पहले अपोजिशन को इकट्ठा करके हम कोई लाए अमल निकालेंगे, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो फिर आप खामोश हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, आपको किसने कहा खामोश हो गए? हमारे हमारे को चेयरमैन और हमारे चेयरमैन के ये जो फैसला है, हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिससे जमहूरियत रिटेल हो और जमहूरियत को नुकसान हो। इंशाल्लाह ताला आपको ईद के बाद बहुत अच्छी मुस्बत तब्दीली नजर आएगी। हमारी कोशिश है जो भी हम पीपल पार्टी तमाम अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर हुकूमत तय करेगी और इत्तेफाक के साथ कदम उठाया जाएगा। अगर गैर जमहूरी तरीके से करना होता तो ये कब के घर के होते जैसे इनके रखते हैं। अच्छा जो सब बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात की है, अल्लाह करे कोई लाए अमल आपकी पार्टी निकाले, जहाँ जरूरत होती है मुस्लिम लीग नून को भी काफ को भी हर चीज को मिला देते हैं, सब पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं अवाम के मफाद के लिए नहीं अपने मफाद के लिए। चोई साहब मुझे ये बताएं, लास्ट सवाल है आपसे, टाइम की कमी की वजह से, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान साहब ने आपको पता है अच्छे इकदाम, जिस तरह ये डैम का एक उन्होंने इफ्तिताह किया है, आज तक किसी हुकूमत ने डैम पे कोई काम नहीं किया है, क्यों? ज़ाहिर पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू बिजली का है। भाई खुदा के वास्ते यार, खुदा के लिए कोई हकीकत बात कर दिया करें। जी जी, अब इन युतियों की तरह आप लोग भी ना गलत बयानी पे बात ना करें। इन्होंने इसमें इसका कौन सा तीर इसने मार लिया इमरान खान साहब ने? इन्होंने डैम थोड़ी, डैम की जमीन किसने ली है? डैम का गाज काम का किसने किया है? पाकिस्तान पीपल पार्टी ने 2012 में ये जमीन खरीदी गई, आप देखे यूसुफ गिलानी साहब के दौर में, ठीक है ना? इसका काम तो वहां से शुरू हुआ, स्टार्ट मनसूबा तो वहां से शुरू हुआ जिस दिन अब उसके बाद ये इसकी नून लीग की जिसने वो उसके बाद काम रोक दिया, नहीं काम किया, मैं बोलूंगा बिल्कुल गलत किया। अगर उस टाइम ये काम जैसे पीपल पार्टी ने ये मनसूबा शुरू किया था ये जारी रहता तो आज ये तकमील के और 2023 तक ये तकमील के आखिरी मरले में पहुंच चुका होता, ठीक है ना? उसके बाद नून लीग वालों ने 5 साल जाया कर दिए, 2 साल इसने जाया कर दिए। क्या बात करते हैं ये आज थोड़ी जमीन, ये मुझे ये पता है ये डैम की जमीन कब खरीदी गई है, किसके दौर में खरीदी गई? बेशक एक पीपल पार्टी के दौर में ही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून से आपका इताअ था तो फिर पिछली हुकूमत ने, अगर मुस्लिम लीग नून की थी आपकी भी हुकूमत थी तो उसमें फिर क्यों नहीं काम मुकमका था? ये अच्छा एकदम है अभी ये काम कर रहे हैं। तो हमारा उससे कोई इताअत नहीं था, कोई मुकमका नहीं था हमारा, अगर हमारे इताअत ही होते तो आप वो स्कीम को चलाते, ये नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ, हम कहते हैं कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी मनसूबा हो उसकी हुकूमत चली जाए
तो अगर बोलक के लिए ये अच्छा मंसूबा है तो आने वाली हुकूमत को उस मंसूबे को जारी सारी रखना चाहिए। आज देखे कास्ट कितनी बढ़ गई है इनकी नलाकियों की वजह से। जो सब बिल्कुल आपने सही, वरना उस टाइम ये राजा परवेज साहब के दौर की बातें हैं, जब वो पानी बिजली के वजीर थे तो उन्होंने अमली के से ये शुरू किया, जमीन की खरीदारी में पार्टी की क्यादत ने उनको साथ दिया और उस टाइम उन्होंने सारे मामला तय किए। उसके बाद जब ये आए इन्होंने वही स्टॉप कर दिया, उसमें भी वो पार्टी का क्या कसूर है? जी चोसा बिल्कुल आपने सही बात की है। टाइम की कमी की वजह से मैं आपसे लास्ट सवाल करूंगा कि आप स्पेन में बैठे हुए हैं तो कोरोना वायरस के हवाले से अभी वहाँ की क्या नई इत्तलात है? भाईजान यहाँ पे एक दफा फिर कोरोना का वायरस का वार आ गया है। यहाँ की गवर्नमेंट ने फिर दोबारा सख्ती शुरू कर दी है, लॉकडाउन स्मार्ट लॉकडाउन शुरू हो गया है। अभी 15 दो हफ्ते का इन्होंने टाइम दिया, अगर 2 हफ्ते के दौरान फिर ऐसी तरह बतवातर बढ़ती गई जो अपोजिशन, क्योंकि अब तेजी से फैलना फिर शुरू हो गया दूसरे दफा दोबारा। तो अभी तो खैर बंद नहीं किए बाजार, लेकिन लॉकडाउन ऐसे SOPs के तहत चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह आपका भला करेगे, हम अल्लाह से दुआ करोगे या अल्लाह ताला इससे हमें निजात दे। इस दोबारा आप आबादी मस्ते फिर बंद हो गई हैं, आबादी तो आम किसी जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। ये आज 2-3 दिन से दोबारा इन्होंने बंद कर दी है हर चीज तमाम, सिर्फ 10 आदमी से ज्यादा का इजमा नहीं हो सकता। जो साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती टाइम दिया। जी नाज़रीन आज हम बात कर रहे थे पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर रहनुमा, हाल मकीम वो स्पेन में हैं, पाकिस्तान पीपल पार्टी के स्पेन के वो सदर हैं। उनसे हमने बात की कि सिंध में बहुत से पीपल पार्टी के मसाइल हैं, जिस तरह इनके करीबी साथियों के साथी दोस्त सेनेटर गनी साहब के भाई पे बहुत से इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इसी तरह अजीज़ बलोच की ज़ाहिर बलोच की तरफ से भी वो पीपल पार्टी पर इल्ज़ाम लगाए गए हैं। देखा जाए तो पीपल पार्टी का गहरा तंग किया जा रहा है, लेकिन चौधरी शाख साहब का कहना है कि ये मुखालफत भाई मुखालफत है, ये एक हम पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं ये झूठ पे मबनी हैं। तो जो डैम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इफ्तिताह किया ये पीपल पार्टी की हुकूमत का इसको क्रेडिट जाता है। हमें इजाज़त दीजिए, कल इंशाल्लाह नए चेयरमैन का पब के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।